जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या कभी ऐसा होते हुए देखा भी है? अगर नहीं देखा तो आज ये वीडियो देख लीजिए, जिसमें हम दुनिया के लकीएस्ट पीपल के ऐसे लकीएस्ट मूवमेंट दिखाने जा रहे हैं, जिसमें वे मौत के बिल्कुल करीब जाकर वापस जिंदा लौट आए। मौत को चकमा? जी हाँ, ये वीडियो आपको ये मानने पर मजबूर कर देगा कि किस्मत नाम की कोई फाकता जरूर होती है। ऊपर वाला हर इंसान को सांसें गिनकर नीचे भेजता है, उससे पहले मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों, इस वीडियो की एक एक क्लिप को ढूंढने में हमें महीनों का वक्त लगा है, इसलिए इसे कहीं से भी मिस न करते हुए एंड तक देखिएगा। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारे नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। केरल के कोल्लम जिले की ये घटना किस्मत पर यकीन न करने वाले के लिए एक सबक है। किसी अनहोनी से बेखबर ये आदमी सड़क किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा है, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी उसके पास से होते हुए खंबे को अपने साथ उड़ाते हुए हवा हवाई हो जाती है। इस घटना से ये बंदा उल्टे पांव वापस दौड़ता है और सीने पर हाथ धरकर अपनी मौत को जाते हुए देखता है। एक बिजी रोड के किनारे ये महिला चलती नजर आ रही है, वहीं उसके सामने कुछ दूरी पर एक ऑटो रिक्शा खड़ा है। अचानक एक तेज रफ्तार कार इस ऑटो को जोरदार टक्कर मारती है। इन सब के बीच वही मौजूद ये महिला दोनों के बीच में से बाल बाल बचकर निकल जाती है। इसी तरह ये ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो के पास खड़ा भर है, तभी इसके पांव के नीचे पड़ा ये हाई टेंशन वायर एक झटके के साथ ऊपर उठता है, जिसकी चपेट में आकर ऑटो ड्राइवर हवा में उछलता हुआ इस महिला पर गिर जाता है। ये वीडियो देखकर सबको हैरानी हो रही है कि अचानक ये वायर हवा में कैसे उठ गया, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि इस हादसे में इस लकी ऑटो ड्राइवर को एक भी खरोंच नहीं आई। किस्मत का साथ हो तो बाल भी बांका नहीं होता। ऐसी ही घटना नवंबर 2013 में विस्कॉन्सिन के लेक सुपीरियर के पास हुई थी। स्काई डाइविंग इंस्ट्रक्टर माइक रॉबिन्सन के अनुसार ये दोनों विमान पास पास उड़ रहे थे, तभी इनकी विंडशील्ड डैमेज होने के चलते दोनों विमानों में आग लग जाती है। लेकिन आग लगने के 2-3 सेकंड पहले उसमें मौजूद स्काई डाइवर पैराशूट खोलने में कामयाब हो जाते हैं। तो देखा आपने कैसे इस दुर्घटना में चमत्कारिक रूप से 9 यात्रियों और 2 पायलटों में से किसी को भी चोट नहीं आई। बेल्जियम में टेक्निकल खराबी के चलते ये प्लेन नीचे की तरफ गिर रहा है, लेकिन यह क्या, ये 2-सीटर प्लेन तो एक पैराशूट में अटका हुआ है, जिसके कारण इसके नीचे गिरने की स्पीड कम हो गई और अंत में ये कुछ ऐसी पोजीशन में गिरा कि प्लेन को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन रुको, जरा सबर करो, असली गेम तो बाकी है। जरा इस प्लेन से बाहर आते इस पायलट को तो देखिए, जिसे इस हादसे में एक भी खरोंच नहीं आई। वो कहते हैं ना, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये बंदा अपनी कार को खड़ी कर उतर ही रहा था कि पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार उसकी कार का गेट उड़ाते हुए निकल गई। लेकिन वाह री किस्मत, इस बंदे का बाल भी बांका ना हुआ। वीडियो में देख सकते हैं कि ये ट्रक मुड़ते वक्त पलट जाता है, इसके साथ ही ये 2 टुकड़ों में बंट जाता है। ट्रक की बॉडी वहीं गिर जाती है और बाकी हिस्सा अलग होकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी तब होती है जब इसका ड्राइवर ट्रक की टूटी बॉडी से बाहर निकलकर दौड़ता दिखाई देता है। इसी तरह टर्न मारती इस गाड़ी की बॉडी भी अलग हो जाती है, जिसके बाद इसमें सवार यात्रियों का जत्था सड़क पर गिरकर एक साथ ही बैठ जाते हैं। लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए, इनमें से किसी को भी एक खरोंच तक नहीं आई।
वैसे अच्छी किस्मत बहुत ही कम लोगों के पास होती है। यह बात तो आप डिलीवरी बॉय के इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। यहाँ कुछ लोग सड़क किनारे बैठे बतिया रहे थे, तभी इनमें से एक आदमी को तेज स्पीड साइकिल पर सवार एक बच्ची दिखाई देती है, जिसके फौरन बाद यह आदमी सुपरमैन बनते हुए उसको थाम लेता है और लड़की की साइकिल खंबे से जा टकराती है। अगर वो एक सेकंड भी देरी कर देता तो कुछ भी हो सकता था। इस आदमी की फुर्ती के चलते ये लकी गर्ल चोटिल होते होते बच गई। वैसे इसे बचाने वाले को जरूर थोड़ी चोट लगी थी। इस कुरियर मैन के पीछे से आए इस अनबैलेंस्ड ट्रक ने इसे ऐसी टक्कर मारी कि वो दीवार और ट्रक के बीच में फंस गया। लेकिन आज इस भाई की किस्मत इतनी मेहरबान थी कि मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इस वीडियो को देखकर आपका दिल जोरों से धड़कने लगेगा। यहाँ एक लड़का सड़क के किनारे लगी रेलिंग के पास खड़ा था, फिर अचानक कुछ सोचते हुए वो आगे बढ़ गया। जैसे ही वो वहां से हटता है, वैसे ही एक कार उस जगह से टकरा जाती है। किस्मत की मेहरबानी हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यकीन न हो तो इस शख्स को ही देख लीजिए। ये जैसे ही दुकान की दहलीज पर कदम रखता है, वैसे ही उसके पीछे की फ्लोर दबकर गिर जाती है। ये हादसा देखकर इस बंदे का मुंह खुला ही खुला रह गया। एक पल की भी देरी हो जाती तो। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ना ना इस लड़की की तरफ नहीं, इस ऑटो की तरफ देखिए। स्पीड ब्रेकर के पास आते ही इसका पहिया बाहर निकलकर अलग हो जाता है, लेकिन शुक्र है भगवान का जो गंभीर हादसा नहीं हुआ। यह शख्स गाड़ी पर गिरी बर्फ साफ कर रहा है, तभी उसे ऊपर से कुछ गिरने जैसा महसूस होता है, जिसके बाद वो फौरन गाड़ी से दूर हट जाता है। इसके एक सेकंड बाद गाड़ी पर वो भारी भरकम चीज इतनी जोर से गिरती है कि उसकी रूफ चकनाचूर हो जाती है। लेकिन सेकंड भर की फुर्ती ने इस बंदे की जान बचा ली। अपनी गाड़ी की सर्विस कर रहे इस बंदे की किस्मत जरूर भगवान ने बड़ी फुर्सत में लिखी होगी, नहीं तो आज बुलावा आ ही चुका था। वैसे ये घंटा बजाने वाली मोहतरमा भी कम लकी नहीं है। जिस पर किस्मत का हाथ हो उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब इस ट्रक ड्राइवर को ही देख लीजिए, जो इस खूंखार लेपर्ड को आते देखकर ट्रक तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, लेकिन चीता उसका पैर पकड़ने में कामयाब हो गया। लेकिन इस लकी ड्राइवर ने चीते की पकड़ को भी मात दे दी, वरना चीते की चंगुल से बच पाना किसके वश की बात है। इस पहाड़ी इलाके में अचानक भूस्खलन होने लगा और बड़े पत्थर नीचे की तरफ गिरने लगे। ऐसे में बाइक पर आ रहे इस बंदे की जान मात्र कुछ सेकंड से बच गई, वरना विशाल पत्थर इसके ऊपर भी गिर सकता था। ऐसे ही किसी पहाड़नुमा जगह पर झूला झूल रहे ये दोस्त किसी तरह यमराज के पास जाते जाते बच गए। भगवान किस्मत दे तो इस साइकिल सवार बंदे जैसी दे, नहीं तो ना दे। इस ओवर एक्साइटेड स्विमर के साथ जो हुआ उसे देखकर जरूर डर लगने लगेगा। मौत को मात देने के बाद जरा इस बंदे का रिएक्शन तो देखिए। पहले पेड़ का हिस्सा आ गिरा, फिर कटर भी गिर गया, और उसके बाद ये सीढ़ियां भी जा टकराई, और आखिर में पेड़ का एक और हिस्सा गिर गया। लेकिन अच्छी किस्मत ने कुछ नहीं होने दिया। स्लाइडिंग कर रहे इस लड़के को नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। अगर आज किस्मत साथ ना होती तो इसी तरह इस नमूने को भी देख लीजिए, जो स्लाइडिंग की मस्ती में खोया है। वो तो आज यमराज छुट्टी पर थे, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।